हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ रेलवे की तरफ से ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की पब्लिश किया गया है देयर ऑफिशियल वेबसाइट में, जिसमें RRC रिक्रूटमेंट 2023 में पब्लिश हुआ है, जिसमें ALP टेक्नीशियन JEE के रिक्रूटमेंट है। और इन सारे पोस्ट के अंदर 10-12 पास करने के बाद एप्लीकेशन कर सकते हो। 677 वैकेंसीज निकल के आया है। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ इसी के ऊपर। तो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन निकल के आया उसको मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। एप्लीकेशन करने के लिए लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, अगर आप चाहते हो वहाँ से जाके भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग अगर चाहते हो तो यहाँ पर रेलवे की तरफ से इस अपडेट को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। दोस्तों, ईस्टर्न रेलवे की तरफ से रेलवे रिक्रूटमेंट सेल और RRC की तरफ से कोलकाता डिवीजन के अंदर रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका एप्लीकेशन शुरू होने जा रहा है 30 जुलाई 2023, एंड इसका लास्ट डेट दिया गया है ऑनलाइन में 30 अगस्त 2023। इससे दोनों की जो है एप्लीकेशन शुरू एंड डेट जो है लास्ट डेट यहाँ पर मैंशन किया गया है। एक एक करके आपको बताऊंगा जहां पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। ग्रुप AI के अंदर ईस्टर्न रेलवे के अंदर टेक्नीशियन टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसके अंदर अगर बात किया जाए तो यहां पे 21 वैकेंसीज निकल के आया है। एंड यहां पे अगर बात किया जाए नंबर ऑफ वैकेंसीज, अनरिजर्व SC ST OBC हर कोई के लिए अलग अलग से जो है सीट अवेलेबल है। और यहां पे जो है सिलेक्शन की अगर बात किया जाए तो उसको यहाँ पे पास में ही मेंशन किया गया है। सिंगल स्टेज ऑफ CVD एग्ज़ाम एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा टेक्नीशियन टेलीकम्युनिकेशन कैंडिडेट को। सेकेंड जो पोस्ट है टेक्नीशियन सिग्नल डिपार्टमेंट के अंदर 17 वैकेंसीज, इसमें भी सेम आपको जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाले CBT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल के ऊपर। टेक्नीशियन EMU के ऊपर रिक्रूटमेंट है, जहाँ पे 20 वैकेंसीज है, सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहने वाले है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन 10 लाइटिंग के ऊपर 5 वैकेंसीज है, जिसके अंदर भी आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो एंड सिलेक्शन प्रोसेस आपका सेम रहने वाले। इसके बाद टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एंड पावर के ऊपर 3 वैकेंसीज है, जिसके लिए आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहने वाले। टेक्नीशियन जनरल इलेक्ट्रिशियन के लिए 1 वैकेंसी, सिलेक्शन प्रोसेस सेम। टेक्नीशियन फीटर एंड मैकेनिक के लिए 8 वैकेंसी, इसके साथ सिलेक्शन प्रोसेस सेम। टेक्निकल मैकेनिक के ऊपर 7 वैकेंसीज, इसके साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहने वाले हैं। टेक्नीशियन डीजल एंड इलेक्ट्रिकल के ऊपर, टेक्नीशियन लोको इलेक्ट्रिकल फीटर एंड लोको के ऊपर जो वैकेंसी हुआ है 5 वैकेंसी, सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहने वाले हैं। इसके बाद आता है असिस्टेंट लोको पायलट, जहाँ पे 390 वैकेंसीज निकल के आया है। इस बार जो है सिंगल स्टेज ऑफ CVD एग्ज़ाम, CBAT एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्ज़ाम के बाद ही आपको सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद आता है मेट्रो के अंदर रिक्रूटमेंट के लिए, यहाँ पे भी टेक्नीशियन टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल, उसके साथ टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल के ऊपर EMU के लिए भी पोस्ट निकल के आया, जिसके लिए भी आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये था पूरा अपडेट, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट। अभी आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। टेलीकम्युनिकेशन और टेक्नीशियन टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल, इस तरह की जो पोस्ट है इनके लिए अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो तो आपको मैट्रिकुलेशन विद ITI क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए फ्रॉम दिस रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आप इलेक्ट्रिशियन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो तो ITI विद इलेक्ट्रिशियन सब्जेक्ट लेके, मैकेनिकल के लिए मैकेनिक, वायरमैन के लिए वायर, इस तरह की अप्रेंटाइज के ऊपर आपको लेके आपको एप्लीकेशन करना होगा। इसके अलावा अगर 12th पास कर चुके फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, फिजिक्स और मैथ लेके, तो वो भी कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन
कर सकते हैं। ये था आपका पूरा जो है टेक्नीशियन डिपार्टमेंट। अभी आपको बताऊंगा असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। अगर असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो, यहाँ पे भी मैट्रिकुलेशन और 10th पास एंड ITI क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए। ITI आप कोई भी सब्जेक्ट जैसे कि कॉयल विंटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंटर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक डीजल, इस तरह की अगर सब्जेक्ट लेके क्वालिफाई कर चुके तो आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर 3 इयर्स के डिप्लोमा कोर्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, तो भी वो कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है JEE के पोस्ट। JEE के लिए 5 वैकेंसीज है, जिसके लिए CVT एग्ज़ाम एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। JEE के अंदर भी बहुत सारे पोस्ट निकल के आया है, 170। इसके लिए भी एप्लीकेशन करने के लिए 3 इयर्स के डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम एनी ऑफ दिस अप्रेंटाइज और ट्रेड अप्रेंटाइज के ऊपर अगर आप डिप्लोमा कोर्स करके बैठे हैं तो भी आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। ट्रेन मैनेजर के लिए पोस्ट निकल के आया है, जिसके अंदर 83 वैकेंसीज है, जिसके CVT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। ट्रेन मैनेजर के लिए सिंपल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अभी ये पूरा जानकारी आपको मिल गया है। अभी आपको और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में बात करने वाला हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस सबसे बड़ी बात है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्री में आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है जो है यहाँ पे देख सकते हो, विदाउट एनी एप्लीकेशन फ़ीस आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको भी देख लिया। इसके साथ साथ अभी आपको मैं बताऊँगा, अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा CBD के एग्ज़ाम के लिए। तो इसके लिए भी आप लोग देख लेना। Part 1 में 90 मिनट के जो है एग्ज़ाम होने वाला है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि फिर से निकल के आया रेलवे की तरफ से। अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, RRC की ऑफिशियल वेबसाइट में मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके एप्लीकेशन कर सकते हो। यही था आज की वीडियो। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए डेफिनेटली कॉमेंट कीजिएगा, मैं उस कॉमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने वाला हूँ। वीडियो अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसा ही रखो कि वीडियो